काम करते हैं रौनक। हाँ भाई, ये जो कह रहे हैं ना कि पहले देख क्या है वहीं पे कबाड़ियों के। कबाड़ियों के वहाँ अबे तो सारा खाली हो गया भाई साहब। चलो सुन, ओए ओए कौन है रौनक? देख के रौनक अकेला जा रहा है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आप सबके लिए तगड़ा सरप्राइज है, तो जिस दिन का आप सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे वो दिन आ चुका है। तो अभी मम्मी सो रही है उधर, और अब थोड़ा आराम से बोलता हूँ, हमारा आज पैरेट आने वाला है गाइस। और हमारा तो क्या, आज मम्मी को गिफ्ट करूंगा मैं, क्योंकि मम्मी सबसे ज्यादा मिस कर रही है पैरेट को, क्योंकि ज्यादा मम्मी ने रखा है। आज मम्मी को सरप्राइज देते हैं, तो जल्दी से निकलते हैं और अपना पैरेट लेकर आते हैं। अभी लाल किला जाना तो काफी दूर का रास्ता है, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। अरे क्या हो गया गाइस, गैलेक्सी कितनी मुंह पे आ गई थी क्या? पैरेट का मतलब समझ आने लग गया तेरे को है? गैलेक्सी मोटी गैलेक्सी, पैरेट लेकर आऊंगा। कोको गैलेक्सी, कोको कोको ले आऊं गैलेक्सी, कोको कोको। मैं भी डर गया अचानक की क्या आ गया। खैर गाइस देखो दीपक भी ना के आया अभी। दीपक चलेगा फिर? कॉलेज जाना है। वो तांत्रिक ने हरकतें करी थी उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। ठीक है कॉलेज जाइए, ध्यान से जाइयो। ठीक है मैं निकल रहा हूँ फिर दिल्ली के लिए। आज चलना है भाई, मेरे को नहीं पता। निक्कू भाई के मीटअप पे चल रहे हैं आज, पैरेट बाद में लेके आएंगे। निक्कू का क्या मीटअप वहाँ चलेगा? बिल्कुल। तो गाइस ये गर्वित ने ले रखा है शूट, और मुझे गाने की वजह से अपनी साउंड वगैरह बंद करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, डीजे वगैरह लग रखे थे। तो आप एंजॉय करो ये क्लिप्स। तो सामने की तरफ सारे बंदे इकट्ठे हो गए भाई पूरी। तो गाइस अभी दिल्ली के लिए हम निकल चुके हैं, और आज देखो कौन कौन जा रहा है अपने साथ। एक तो रौनक लंबे बालों वाला, I'm sorry bro, ये जा रहा है गर्वित दो नंबरी। और दीपक भाई जा रहे हैं आज, दीपक भाई गाड़ी चला रहे हैं आज, क्योंकि हमसे गाड़ी चलती नहीं है ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस समस्या यहाँ है दिल्ली की यही कि ट्रैफिक बहुत है, और हमारी टांगों में इतनी जान नहीं है, लेकिन दीपक भाई की टांगों में बहुत जान है। अगर ऑटोमेटिक गियर किसी गाड़ी में नहीं हो तो दीपक भाई को ले जाए अपने साथ। फोन में क्यों लगा रहता है आजकल? मीटिंग दिखा दो एक बार भाई, तूने इसके मार्क्स भी नहीं दिखाए यार। हाँ भाई ये टाल रहा है आजकल बहुत, दिखाई नहीं रहा। गाइस इसका रिजल्ट तो आ चुका है पर ये दिखा नहीं रहा। ये देखो दीपक भैया ने कैसे पकड़ लिया। मेरी बेस्टी है। बेस्टी नहीं, झूठ बोल रहा है। ये देखो ऑटो के साथ हमारी रेस चल रही है यहाँ पे, दीपक भाई भी भगा रहे हैं बहुत तेज। वो देखो ऑटो वाला भी आके निकलने वाला है, बस ये निकल गया। तो गाइस फिनिश लाइन आ चुकी है, कैमरा जीत गया। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पैरेट को लेने के लिए। ये क्या हो गया, वाइब्रेट सा क्यों हो गया था गाइस? वाइब्रेट सा हो गया, देखा था अभी आपने? हमें बस यार हो जाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा बाल के लंबे कर रहे हैं तो बता। बाल यार बस पर्सनैलिटी। गाइस आप कमेंट करके बताना कि रौनक को गंजा कर। हेलो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है, तो पहुंच गए हम अपना पैरेट देखने, न्यू कोको लेने। कोको गाइस इसका नाम भी कोको रखेंगे हम। हां कोको रखेंगे, बाकी देखते ही मिलता है। नहीं आगे चल क्या भाई, ये क्या ले रहे हो तो बता। ये
निकल यहाँ से। भाई है क्या, ये तो बता दे भैया, बनाओ ना इसको। जा रहे भाई, चल निकल। अब हमारा हो गया, जो भी है चलो, जो भी लिया तुम्हारा हो गया। आप पीछे मुड़ के मत देखिए। आप सबके लिए मैंने ले ही लिया, और मैं दिखाता हूँ अभी आपको अंदर जाके। एक तो बिल्कुल बच्चा था और एक था 2.5 महीने का। तो अपना मार्कशीट कब दिखाएगा वो? नेक्स्ट वीडियो में भाई। नहीं, ये नहीं दिखाएगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस। पक्का 1000 लाइक कर दो, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। जब तक इस वीडियो में 1000 लाइक नहीं होंगे तब तक नहीं दिखाऊंगा। 1000 कमेंट भी होनी चाहिए। कोई नहीं, आपको अगर इसकी मार्कशीट देखनी है तो भाई करा दो 1000 कमेंट। बेशक एक बंदा 2-2, 3-3, 4-4 कमेंट कर दो। अभी अभी बाहर निकाला है इसको मैंने इसमें से, और ये मेरे पास आके चिपक के बैठ गया। तो गाइस अब घर पहुंच के मिलते हैं, और घर पे मम्मी को भी सरप्राइज देंगे। तो चलो गाइस चलते हैं घर। बस पीछे रख दे फोन, इन्होंने को अंदर नहीं है क्या? कार्डबोर्ड का रखना है, इसमें एक दोस्त का सामान है, संभाल के रखना है इसको, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी सामान है। कार्डबोर्ड है अगर कोई बिल्ली वगैरह दिक्कत बन जाएगी। कैसा लगा मम्मी सरप्राइज? सरप्राइज क्या? अरे इमोशनल, बस हमें कोई नहीं कोई नहीं। इधर हो कोको, आपका कोको मैं वापस ले आया। चले हट जा, इधर ही ऐसी गैलेक्सी, चलो अंदर गैलेक्सी अंदर चलो, आपके पास ही रहेगा। मम्मी अंकल को दिखाते हैं, पुनीत भैया। हां कहां है पापा? पापा आ बेटा, आ जाओ एक बार। क्या हो गया? आओ तो सही, क्यों बे कर रहे? अरे ये क्या लेकर आए हो? है भाई ये खिलौना, ये तो अरे तोता ले आया तू, और क्या। चल इसको देख के तो भाई कोको की याद आ रही है। मम्मी भी यही कह रही थी। सुन रो क्यों रहे हो? अरे कोई ले तो आया, वो वापिस आ गया। वो आ गया, चल रोने की जरूरत नहीं है। गाइस मुझे लग रहा है थोड़ा पहले बताना चाहिए था, मैं सरप्राइज कुछ ज्यादा ही दे दिया मैंने। इधर कर, को भी कोको की याद आ रही है बेटा। इसको लग रहा है कोको है। हाँ इसको ये लग रहा है, इसको कोको लग रहा है, इसको ये लग रहा है कोको है, इसलिए देख रही है बार बार। और ये दीपक बेचारा पीछे देख रहा है, जब से देख रहा है दीपक पीछे से कुछ बोल नहीं रहा। पीछे से कब आया भाई तू? एक मिनट रुक, तो आया हूं मैं। सही देख रहा था, सही बताया पीछे से आया। कैसा है? सेम लग रहा है यार, कोको जैसे है भाई। मेरी बात सुनो यार, जो आदमखोर वाली जगह ना वहाँ से सुनने मारा दोबारा तंग फैल रहा आदमखोर का, और जो वहाँ पे कबाड़ी थे ना वो भी सारे चले गए। अरे सही में यार, अरे वापिस आ गया भाई। भाई कहाँ से सुनने में? इधर क्या मेरा झूठ बोल रहे हो भैया? चल के तो देख लो, चाहे झूठे बोल रहे हो चल के तो देख ले एक बार। वैसे दिन तो बहुत हो गए जाए हुए हैं, उस दिन के बाद हम गए नहीं कभी वहाँ पे, मतलब जब पता लगा था कबाड़ियों का। खैर मैं इस चक्कर में चला जाता हूँ कि काफी दिन हो गए, एक बार देख के आते हैं वहाँ पे। रौनक को बुला लो फिर। हाँ रौनक को बुला लो। चल ठीक है, तो चलो गाइस चलते हैं एक बार देखते हैं आदमपुर के। वहाँ बैठ गए क्या सारे? हाँ भैया सारे बैठ गए, बैठ चुके। अच्छा गरीब भी आया क्या? यार ये कह रहा है कि वहाँ पे आदमपुर दोबारा जाते हैं देख के आते हैं, मुश्किल है ना वैसे? 50-50 है। जो यार मेरी भाई शोर तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वहीं जाके पता चलेगा। मेरी बात सुन दीपक, तू ठीक है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। सो गाइस देख लो दोबारा जा रहे हैं माधवपुर के वहाँ, और वही सारा सीन मुझे बार बार याद आ रहा है। मतलब जैसे हम जाते थे वहाँ पे क्या था वो, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इंसान था क्या था। बाद में पता लगा था इंसान है, लेकिन गरीब कह रहे हैं उस हिसाब से आदमपुर वही होते ना कि वो मांस वगैरह खाते हैं जानवर वगैरह का, और उनकी शक्तियाँ नॉर्मल इंसान ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो कच्चा वगैरह खाते हैं, कच्चा मांस। अगर भाई उनके पास अगर बच्चा कोई भी फंस जाता है ना, बच्चे को पकड़ लेते हैं तो उसका भी मांस बना के खाते हैं वो। भाई ये सुनने में आई है, वैसे देखी नहीं मैंने, लेकिन मैंने ये तो देखा है कि जानवर का तो मैंने देखा कई बार देखा, हड्डी वगैरह भी देखी है। वैसे एक बीच में और भी सुनने में आई थी कि वहाँ पे जो वो घर है ना वो नीचे से टूटा भी है, पता नहीं कुछ एक्टिविटी हुई होगी जब भी वो टूटा है। तो देखते हैं भाई अगर वहाँ पे वही है जो हम सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से भाई वो खतरनाक चीज़ है जो भी है, क्योंकि अभी तक तो उसकी ताकत बल्कि और ही बढ़ गई होगी, क्योंकि उसको तो बहुत आदत बन गई और काफी टाइम से वो वहाँ पे है।
आ चुके हम वैसी रोड पे भाई साहब, बहुत दिनों बाद वो रोड दिखा है। 3 किलोमीटर में भी कम से कम लाइट दिख जाती है गाँव। इतना लंबा रास्ता है कि कोई लाइट नहीं दिखती। और सुन भाई, अगर ये आदम कोर अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर मशाल ला रखा है। मशाल भाई, हाँ मशाल लेके आए हैं भाई। भाई हिट भी लेके आए हैं हम लोग आज। हिट? हाँ, याद है उस दिन सुबह जब 3 बजे गए हुए थे जोकर पकड़ने? हाँ हाँ हाँ। जोकर के हाथ में देख के जब याद आया था मेरे। मतलब हिट से जल जाती है भाई साहब? फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। चल ये तो रहेगा सही हमारे बचाव के लिए, चीज तो सही रहेगी। सो गाइस, लोग बस पहुंच गए। ये यहीं से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आगे शीशे में दिख रहा है। तो गाइस ये देखो, ये रही वो चिमनी और आगे है उसका आदमपुर घर। तो काम करते हैं, गाड़ी लगाते हैं। रौनक यहीं लगा दो। हाँ भाई, यहीं लगा दे साइड में नीचे। हाँ फिर चलते हैं। तो एक काम करते हैं रौनक। हाँ भाई, ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हो सकता है आदमपुर, पहले देख के आए वहीं पे कबाड़ियों के। क्योंकि ये तो बात सही निकली इसकी, यहाँ पे तो कबाड़िया नहीं है। बाकी एक बार आगे कन्फर्म करके आते हैं। भाई उन्होंने है ना हमारे को झूठ बोला है, या तो भाई गांव वालों ने करा है ताकि यहाँ पर कोई आए ना, उनकी साजिश होगी 100% को नहीं। मतलब ये थोड़े दिन के लिए करा था? हाँ। देख सारा खाली हो गया। मैंने आपको पहले कह दिया मेरी मान ही नहीं रहते यार। झाड़ियों में क्या है गर्वित? झाड़ियों में क्या है गर्वित? पीछे आ पीछे आ पीछे आ। कौन है? कोई है? ओ फिर से वॉच, फिर से वॉच। भाई साहब, भाई आयो 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 आयो। कौन है? अरे ऐसे मत जा झाड़ियों में। आ जा जा जा, क्या क्या मत जाओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे आदत है भाई, मैं नहीं जा रहा। ओए कौन भाई? ओए 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 निकल लो भाई, साथ में रहेंगे जल्दी आ। देखिए उधर भाग गए, उधर भाग गए, यहीं पे है, यहीं पे था अभी। अभी तो पास आ रहा था, धीरे धीरे देना कितने काटे हैं। देखिए ये गड्ढा सा बना हुआ है, ये नीचे है यार, पीछे है वो। आइयो ये झाड़ियों के, आ जा रौनक, आ जा डंडा आके रख। हिट कहाँ है? हिट हिट तो तू बता रहा है, ये मेरे पीछे था। तू मत ले, इसको पकड़ा दे। आजा आजा आजा, लाइटर। हाँ लाइटर दे दे इसको। ये लो गाइस, भट्टी के इस साइड आए देखने। गर्द फ्लेम लेके आगे आजा, रेडी कर लो। बिल्कुल रेडी है, फुल ले पूरा। आवाज आई थी गाइस, एक बार घर के वहां जाके देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा कुछ भी। मसाल जलानी है? जला लो भैया, मैं तो कहूँ जला ले। पुनीत सही कह रहा है भाई, ठीक है चला चला मसाल जला ले। सो गाइस मशाल रेडी है, आ जा चलो आ जा जा आगे चलो भैया। हां ये ले, ये पकड़ तेल पकड़ जल्दी से। ओए आ जाओ आ जाओ, कोई है रौनक आगे ले मशाल को। पुनीत आवाज आई है। ओए ओ भाई आवाज आ रही है। ओए आगे रख, अभी मत चलाइयो, चलाइयो मत, चलाइयो मत अभी। इसको रौनक को आगे बढ़ने दे, आगे बढ़ने दे रौनक। कोई है तो सामने आओ, मैं जला दूंगा बिल्कुल मशाल आगे। नहीं नहीं अभी नहीं जलाना, चल अभी चल आगे, चल 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 चल। तुम छोटे गरीब तो पीछे गरीब, दीपक आ जा आगे जा। मैं पुनीत, पहले तो दीवार थी गिर चुकी है, ये देख भाई उस साइड हो सकता है। देख देख के रौनक, देख के उस साइड हो सकता है। ओए कूदा कूदा ना, नीचे नीचे आ जा, नीचे जल्दी जल्दी। पुनीत भाग, आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई साहब कौन है? कौन है? चलो अंदर चल, फिर चलो चलो अंदर चल 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 चल। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इधर कूद के इधर भाग गए अंदर से। आइयो बाहर बार 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 जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ जा, जल्दी आ जल्दी आ। ओ भाई साहब शारदी बाट
आइयो आइयो जल्दी गरीब से बोला अकेला मैं नहीं जा रहा भाई। भैया दीवार भी टूट गई यहाँ से। आगे गिरो ना। भाई झाड़ी है भैया यहाँ पे तो। यहाँ कहाँ निकल गया वो? कहीं भी जा सकता है। भाई साहब। यार। भाई देखो वो जो खिड़की है ना इसी से निकला है यहाँ से। सुन हाँ वही करना पड़ेगा हमें छुपना पड़ेगा रौनक हमें उस दिन की तरह जब पहले करते थे ना छुप जाना पड़ेगा हमें जल्दी आ निकल चल गाड़ी के पीछे चल गाड़ी के पीछे छुप जा गाड़ी के पीछे छुप जा लाइट ऑन कर लो नहीं नहीं मिसाल तू इधर ले ना नीचे ले जल्दी से इधर आ जा बस थोड़ी देर के लिए टॉर्च ऑन कर रहा हूँ आ जा अब तक तो आ गया होगा आ जा चल जल्दी जल्दी करीब चल आ जा आ जल्दी आ जा ले 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 यहीं आ गया ना आ गया आ गया आ गया आ गया ओए जाने नहीं देना चलने नहीं चला जल्दी आ ठीक है चल 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 उधर रह ओए यहाँ से जाने दूंगा इसको आग जला के ऊपर चलो जल्दी से ऊपर चलो चल 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 ऊपर पहुंच ऊपर पहुंच ऊपर पहुंच ऊपर उनकी तरफ जा क्या होगा पत्थर फेंक रहे पत्थर फेंक रहे चला चला आगे चला आग चला जल्दी से आग चला चल इसकी तरफ आगे रख गरीब आगे रख चल जा बड़े बड़े ले कूद गया ये अपनी पल्ले पड़े यार ये हमारी रेल बना रहा है और कुछ काम ना है सुन मेरी बात अब नहीं मिलेगा भाई ये ठीक है हटियो आइयो इधर टॉर्च मार इधर से निकला है ना ये अब नहीं मिला अभी उसको पता लग गया यहीं पे बंद रहते हैं निकल गए निकल फिर आजा यहीं पे था हम ढूंढने आ जाना आज हां हां कबाड़ी भी भाग के सारे यहीं पे हैं भैया मैंने आपको कही थी और अगली बार ना प्लानिंग के साथ आना ठीक मत आजा अचानक कैसे भी इटे मार सकते निकल ले अभी अभी के लिए निकल ले जल्दी आ जाओ निकलो यहाँ से ये इटे फेंके कहीं से भी जल्दी आओ अंदर अंदर बैठो जल्दी जल्दी